नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। लोहगढ़ स्टेडियम में 75 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे 8 जिम एवं फिटनेस सेंटर का तकनीको शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित कर बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा नई खेल नीति बनाकर खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी देश व दुनिया में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कराई, जिसमें हर वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रतिभा दिखाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान सरकार ओलंपिक प्रतियोगिता फिर से करा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कई योजना चलाई है और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि लोहागढ़ स्टेडियम में ही मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तैयार हो रहा और भरतपुर में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। उन्होंने विकास में करने वाले का आह्वान करते हुए लोहागढ़ स्टेडियम के पास ही पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जा रहा है और जल भराव की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ विकास में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान हाथी पहलवान जीतू पहलवान अभिषेक पवार ने स्वागत किया। तो चुका टेंडर हो चुका, जल्दी शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो ये पानी भराव की जो समस्या है इस पूरे उसकी वो भी खत्म हो जाएगी कुछ एक डेढ़ सालों में। पूरा ऐसा कैंपस, इधर तो लोहागढ़ स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सलीम दुर्रानी जो है स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, संकल्प की सोच के साथ ये जो संकल्प लिया है कि भरतपुर को संभागीय मुख्यालय बनाना है। मुख्यालय तो है लेकिन सुविधाओं के दृष्टिकोण से, एक जो कल्चर होती है उसके दृष्टिकोण से, जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए उसके दृष्टिकोण से, जो खेल की सुविधा होनी चाहिए और जो पार्क और ये नेचर के जो पार्क है वो डेवलप होने चाहिए, उनमें अभी बहुत काम करना पड़ता है। जानते हैं सिंथेटिक ट्रैक का काम करीब करीब जो है उसके टेंडर से लगने वाले हैं। ठीक है, कि हमारी देश की बेटियां, और आप देखो बाद में डरा धमका करके बयान चेंज करवा लिए और अब एफ आर लगाने की नौबत आ गई है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो हमारे दूसरे खिलाड़ियों को अप्रोत्साहित करता है, पहलवानों को, खिलाड़ियों को। खिलाड़ी खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। खेल का पूरा जिम्मा खिलाड़ियों के हाथ में होना चाहिए और खिलाड़ियों की भी ड्यूटी बनती है कि वो अन्याय नहीं करे, इनजस्टिस नहीं करे, अपना पराया नहीं देखे, जिसमें वास्तव में प्रतिभा है उसको आगे लाना।